नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कुशीनगर थाना तरिया सुजान में एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता शौच करने गई थी कि तभी अकेला देख गांव के ही कुछ लड़कों ने उसे मुंह दबाकर घर के पीछे ले जाकर बारी बारी से लगातार दुष्कर्म किया। 4 बजे पीड़िता की चाची ने देखा कि युवती के कपड़े अस्त व्यस्त थे। पानी का छींटा मारने के बाद जब युवती को होश आया तो युवती ने अपनी आपबीती बताई और चारों लड़कों के नाम लिए। घटना की लिखित सूचना थाना प्रभारी तरिया सुजान को दे दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर थाना प्रभारी आरोपियों की गिरफ्तारी से परहेज क्यों कर रहे हैं। आज पीड़िता को लेकर समाजसेवी लोग जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी से गिरफ्तारी करने की तहरीर करने की मांग कर रहे हैं। रात को 11:30 बजे निकले थे बाथरूम निकले थे तो वही थे दो लोग, जितेंद्र गुप्ता और तेरी अंसारी, वही थे लोग। दोनों लोग मेरे मुंह दाब कर गमछा से दोनों बांध लिए थे लोग। उसके बाद से ले जाकर मेरे संग बगीचे में मेरे संग बलात्कार किए हैं। उसके बाद से मालूम नहीं क्या सुना कर मेरे को वहीं पर बेहोश कर कर चले गए थे लोग। सुबह मेरी चाची मतलब उठी तो मेरी चाची मम्मी को बुलाई तो मेरे को उठा कर ले गए हैं। तब हम गए हैं तो उसके बाद से हम गए हैं पुलिस के पास गए हैं तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो उसके बाद से हम लोग को लौटा दिया गया, वहाँ से तरिया थाना से लौटा दिया गया। तो फिर से हम घर पे आ गए, फिर दोबारा भी गए हैं 4-5 बार तरिया थाने, तो फिर से सुनवाई नहीं हो रहा था। तो फिर से यहाँ पे हम लोग आए हैं जहाँ पड़ा ना आए थे, तो फिर यहाँ से बड़े साहब से बात हुई तो यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से बोले थे कि हाँ अपने थाने जाओ। अपने थाने वहाँ पे गए हैं तो हो गया था, मतलब रिपोर्ट लिखा गया था। उसके बाद से बोले थे लोग कि मेडिकल हो गया। उसके बाद से उन लोगों को कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। अब फिर से बताइए मेरे संग अब क्या होगा, मेरे पेट में बच्चा खुल रहा है, हमारे संग क्या होगा, मेरे कौन पूछेगा मेरे संग अब क्या होगा, बताइए। क्या नाम है आपका? शीला। गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी? नहीं।